जिन्हें तीनों लोक में पूजा जाता है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, जिनके द्वार पर 33 कोटि देवता गण प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हैं। भगवान श्री गणपति भगवान की कृपा हम सब पर बरसती रहे। भगवान श्री गणपति महाराज से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 बातें भी अगर हम अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी से सीख लें तो आपकी लाइफ में मंगल होना शुरू हो जाएगा। इसी बात पर बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चाचा भतीजा ब्लॉग्स, मैं हूं अमित। आइए शुरू करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। लर्निंग नंबर 1, पहली लर्निंग बताऊं उससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। जो धन के स्वामी कुबेर हैं वो पहुँचे भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर। उन्हें अपना धन वैभव दिखाना चाहते थे, इसलिए कहा कि आप दोनों हमारे यहाँ भोज पर आमंत्रित हैं। भगवान शिव और माता समझ गए कि जो है अपना घमंड जो है उसका प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। इनके पास जो धन खजाना है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम दोनों तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारा पुत्र गणेश को आप लेकर जा सकते हैं। वो बहुत अधिक भोजन करता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। कुबेर जो थे वो अहंकार में थे, उन्होंने कहा भेजिए हम व्यवस्था कर देंगे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। भगवान शिव ने कहा देख लो हमारा बेटा बहुत भोजन करता है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं प्रभु आप भेजिए। जैसे ही गणेश जी वहाँ पहुँचे कुबेर स्वामी के यहाँ पर, उन्होंने भोजन करना शुरू किया। जितना भोजन पका था सारा ख़त्म हो गया। जो कुबेर था उन्होंने आदेश किया कि और बनाया जाए, और बनाया गया, वो भी ख़त्म हो गया। भंडार के अंदर जो भी सामान था, जो भी खाने का सामान था, सब ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे सारा भोजन ख़त्म हो गया। कुबेर को समझ नहीं आया कि अतिथि आए हैं, इनकी तृप्ति कैसे करूं मैं, इनको तृप्त कैसे किया जाए, इनका पेट कैसे भरा जाए। दौड़ कर पहुँचे भगवान शिव के पास कि प्रभु मार्गदर्शन करो, प्रभु मैं तो फंस गया, आपने सही बोला था आपका पुत्र जो है वो तो बड़ा ही भोजन खाता है, वो तो तृप्त ही नहीं हो रहा है। मेरे घर का सारा भोजन खा चुका है, हमारे भंडार खाली हो चुके हैं, हमारे रसोइया थक चुके हैं बना बना कर, मैं क्या करूं प्रभु। तो भगवान शिव तो शिव हैं, वो मुस्कुराए, उन्होंने बोला कि आप एक मुट्ठी चावल ले जाइए और प्रेम पूर्वक उनको परोसिएगा, वो आपका भोजन स्वीकार कर लेंगे। एक मुट्ठी चावल जाकर गणेश जी की थाली में रखा और गणेश जी का पेट भर गया। ये जो पहली बात मैंने आपको बताई, जो कथा मैंने आपको सुनाई, गणेश जी एक तो उनका मुंह छोटा है और छोटा मुंह ये बताता है कि आपको कम बोलना चाहिए, नाप तोल के बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए जहां वाकई में आवश्यकता है। और दूसरी बात जो है ये कथा सिखाती है कि जीवन में विनम्रता को लेकर आइए। अगर आप थोड़े भी ईगो को लेकर चलते हैं, घमंड को लेकर चलते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। उनको भी विनम्रता से ही जीता जा सकता है, उनको भी विनम्रता ही पसंद आती है। लर्निंग नंबर 2 फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। दूसरी कथा और लर्निंग बताता हूँ जो आपको सीख लेनी चाहिए भगवान गणेश जी से। पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में अंगलासुर नाम के एक दैत्य राक्षस था, जिसने स्वर्ग में धरती में त्राही माम मचाया हुआ था। वो एक ऐसा दैत्य था जो ऋषियों को, मनुष्य को जिंदा निकल जाता था। उसके अत्याचार से परेशान होकर सब भगवान शिव के पास पहुंचे और कहने लगे प्रभु हमें बचाइए। शिव जी ने कहा आपकी रक्षा और इस अंगलासुर का जो वध है हमारा पुत्र गणेश करेगा। तो गणेश जी को बुलाया गया और भेजा गया, और गणेश जी जैसे ही भगवान शिव ने आदेश दिया वहाँ गणेश जी पहुँचे और जाकर सीधा अंगलासुर को निगल लिया। कहते हैं उनके पेट में बहुत जलन होने लगी और इस परेशानी से निपटने के लिए बहुत प्रकार के अलग अलग उपाय किए गए, लेकिन वो पेट की जलन शांत नहीं हुई। तब जो है कश्यप ऋषि थे, उन्होंने दुर्बा यानी जिसको हम धूप भी कहते हैं, धूप की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने के लिए दी।
और ये दुर्बा दूर वो भगवान गणेश जी ने ग्रहण की, तब जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। कहा जाता है तब से ही गणेश जी को दुर्बा यानी धूप चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो दूसरी सीख ये कहती है कि बड़ा पेट होना चाहिए तो पचा लेना चाहिए, बातें पचा ले। कई लोगों के पेट में बात नहीं पचती और इसी वजह से घरों में विवाद हो जाते हैं, दोस्तियां टूट जाती हैं, कई रिश्ते बिखर जाते हैं। बात को अपने पास ही रखना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश का जो बड़ा पेट है वो हमें सिखाता है कि हमें बातों को पचाना आना चाहिए। लर्निंग नंबर 3 फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। तीसरी जो बड़ी बात है गणेश जी से सीखने वाली, वो है कि बड़े कान जो भगवान गणेश जी के हैं वो सिखाते हैं कि बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जो ध्यान से नहीं सुनते नुकसान उन्हीं का होता है। एक बड़ी प्राचीन कथा है, एक गांव में वृद्ध महिला रहती थी। वो जो माता जी थी वो भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका एक बेटा था, बहू थी घर में, और भगवान की बहुत भक्ति थी। तो भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए और कहा, माता जी मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं? तो माता जी ने बोला, मुझसे तो मांगा नहीं जाता और मैं क्या मांगूँ, आप मिल गए हैं मुझे, मेरे लिए बहुत है। भगवान जी ने फिर भी ऑफर किया कि नहीं, आप फिर भी डिसाइड कर लो, आप अपने बेटे से बात कर लो, अपनी बहू से बात कर लो, आप घर परिवार में सलाह मशवरा कर लो, क्योंकि अभी तो मैं हूँ, अभी तो आप जैसा जो वरदान मांगेंगे मैं दे दूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भगवान, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। तो जो माता जी थी वो अपने बेटे के पास गई, और जब बेटे के पास गई तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे भाई, गणेश जी मेरी जो मैंने उनके लिए प्रार्थना की, जो मैंने उनके लिए पूजा की, उससे बड़े प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि भाई ऐसे ऐसे आप कोई भी वरदान मांग लो, तो बताओ मैं क्या मांगूँ। तो बेटे ने बोला, माँ तुम बहुत सारा धन मांग लो। बहू के पास गई तो बहू बोली, माँ आप बहुत सारा सोना चांदी मांग लो, सोने चांदी के आभूषण मांग लो। तो माता जी को लगा सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, क्यों ना पड़ोसन से भी बात की जाए। अब पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने कहा, एक काम करो, तुम ना देखो थोड़े दिन की ही हो, तुम्हारी उम्र भी थोड़ी बची हुई है, तो तुम एक काम करो, थोड़े पैसे मांग लो, नाती मांग लो, अपनी आँखों की रोशनी मांग लो, जिससे आपका जीवन आराम से कट जाए, और थोड़ी सी उम्र भी मांग लो। तो माता जी ने कहा गणेश जी को कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे क्या मांगना है, तो मैं बोलूँ? तो गणेश जी ने बोला, हाँ माता बोलो आप। तो उन्होंने बोला कि मुझे वरदान में ये चाहिए कि भाई मुझे 9 करोड़ की तो माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आँखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो, और सारे परिवार का सुख दो, और अंत में मुझे मोक्ष दो। अब भगवान जी ने कहा कि आपने तो मुझे माते ठग लिया, आपने इतना कुछ मांग लिया लेकिन फिर भी आपने जो मांगा है, आपको मैंने वचन दिया था, तो आपको मैं सब कुछ दूंगा और आपको सब कुछ मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। माता जी ने जो मांगा था उन्हें सब कुछ मिल गया। तो हम सब भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्हें मिला हमें भी मिल जाए। और इस कथा का सार ये कहता है कि बड़े कान जो हैं ध्यान से सुनने की क्षमता को लेकर आते हैं। बड़े कान होने की वजह से हर छोटी बड़ी बात को सुनने का प्रतीक माना गया है। अगर आप लाइफ में अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं, हर किसी की बात को ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप उसी मोमेंट में, उसी लम्हे में रहे। कई बार हम लोगों के साथ बैठे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान उस जगह पर नहीं होता, कई सारी बातें हम सुनाई ही नहीं देती, और क्योंकि हमारा मन वहाँ पर नहीं होता, वो कहीं और भाग रहा होता है। ध्यान से सुनना शुरू कीजिए, लाइफ में अच्छा करेंगे। लर्निंग नंबर 4 चौथी बात जो हम लॉर्ड गणेशा से सीख सकते हैं। छोटी कथा आपको फिर सुनाता हूँ कि एक गणपति महाराज जो अपने मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे, वहाँ तब कुछ नाग कन्याएं आई और उनसे कहने लगी कि आप हमारे भी लोक में चलिए, मतलब पाताल लोक में। जब बहुत आग्रह किया तो गणेश जी उनके साथ चल दिए, और जब नाग लोक में पहुँचे
तो नाग कन्याओं ने उनका हर तरीके से आदर सत्कार किया। तभी जो नागराज थे वसुखी, उन्होंने गणेश जी को देखा और देखा कि भाई ये मनुष्य जिसका सर हाथी का है, तो वो उनका उपहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, उनके रूप का उपहास उड़ाने लगे, अलग अलग तरीके से उनके साथ छेड़खानी करने लगे। भगवान गणेश को क्रोध आ गया और उन्होंने वसुखी के फन पर अपना पैर रख दिया और उनका जो मुकुट था वो खुद पहन लिया। वसुखी जो दुर्दशा हुई इसका समाचार सुनकर जब उनके बड़े भाई शेषनाग वो आ गए और उन्होंने तेज आवाज में कहा कि किसने मेरे भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को देखा तो वो तुरंत पहचान लिया, उनका अभिवादन किया और उन्हें उस नागलोक यानी पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। कहा जाता है कि ये जो कथा है तभी से पाताल के स्वामी भी गणपति ही हैं। ये कहानी, ये जो कथा है, ये सिखाती है कि छोटी आँख जो होती है वो पैनी नज़र आपको रखने में मदद करती है। आपकी जो छोटी अगर आँख है वो आपको पैनी नज़र रखने में मदद करती है, क्योंकि बड़ी आँख होगी कोई देखेगा तो वो दूर से दिख जाएगा कि ये मुझ पे नज़र रख रहा है, और छोटी आँख होगी तो वो इतनी दिखने में नहीं आती है। भगवान गणेश जी की आँखें शरीर की तुलना में बहुत छोटी हैं और ये आपको समझाती है और सिखाती हैं कि हमारी जो आँखें हैं वो हमारी दूरदर्शिता का सिंबल है। फ्यूचरिस्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। शरीर में बहुत छोटी सी होती हैं आँखें इतने बड़े शरीर में, लेकिन वो आँखें आपकी दुनिया बदल सकती हैं, आपकी दुनिया में बहुत सारा चेंज ला सकती हैं, बशर्ते आप उन आँखों में वो नज़र डेवलप करो जो आपके लिए आपका भविष्य और सुंदर भविष्य देखती हो। और अंतिम लर्निंग आती है नंबर 5। ये कहती है कि अगर आपके पास जो ज्ञान है वो सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ज्ञानी तो होते हैं लेकिन अपने ज्ञान का सही जगह पर प्रयोग नहीं कर पाते और बहुत पीछे रह जाते हैं। एक कथा कहती है कि भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, और तब जो उस यज्ञ में सबसे बड़ा काम था कि सारे देवताओं को आमंत्रित किया जाए, आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाए, जो समय रहते सभी लोकों में जाए और सभी को आमंत्रण देकर लौट आए। अब किसको ये काम दिया जाए? तो भगवान शिव जी को एक ये भी डर था कि कहीं जल्दबाजी में ये ना हो कि देवताओं को बुरा लग जाएगा, यार बड़ी जल्दी जल्दी देकर इनविटेशन हमें भाग गए। तो उन्होंने ये काम जो था अपने पुत्र गणेश जी को सौंपा कि आप जाइए और सबको आमंत्रित कीजिए। अब गणेश जी ने सोचा मेरा वाहन तो चूहा है, वो तो बहुत छोटा है, और ऐसे अगर मैं गया तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कितने वर्ष लग जाएंगे, और मैं तो कभी लौट ही नहीं पाऊँगा। तो फिर उन्होंने अपना मस्तिष्क चलाया, अपना दिमाग चलाया, अपना ज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने कहा बहुत आसान है, एक काम करते हैं, सारे देवताओं का यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण ही तो देना है, सारे देवी देवताओं का वास जो है भगवान शिव में ही है, क्यों ना उनको ही प्रसन्न किया जाए, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और यहाँ पधार जाएंगे। तो भगवान गणेश जी स्वतः ही भगवान शिव का पूजन किया और सारे देवताओं का आवाहन किया और सारे आमंत्रण जो थे वो भगवान शिव को समर्पित कर दिए, और सारे आमंत्रण स्वतः ही देवताओं तक पहुंच भी गए क्योंकि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में ही है। तो ये कथा समझाती है कि ज्ञान का सही प्रयोग बहुत ज़रूरी है, पूर्ण उपयोग बहुत ज़रूरी है, ये आवश्यक है। उम्मीद है इन 5 कथाओं में आपने 5 लर्निंग ले ली होगी, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं ये 5 कथाएं, ये 5 लर्निंग्स। बाकी प्रभु से सीखने की अनंत बातें हैं, प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गणपति बप्पा मोरिया। तो आई होप आपको ये वीडियो हम मेरी अच्छी लगी होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया।